जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। तुम्हें पक्का पता है रिकी घर पर होगा मोगली? हाँ, उसे पता है ना हम आ रहे हैं। रिकी को अपने नए बिल बहुत पसंद है और वो बघीरा और तुम्हें अपने नए बिल दिखाना चाहता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये रिकी है ना? लगता है वो किसी मुसीबत में है। तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं तो, मैं तो फिसल गया था। वो तो वाकई बहुत ही लंबा सांप था रिकी। तुम्हें पक्का कोई चोट नहीं आई ना? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम नहीं आए होते तो मैं उसका काम तमाम करने ही वाला था। वो तो दिख ही रहा है रिकी, पर तुम फिलहाल थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? ओह, क्या हाल हो गया है, बेचारा लड़ाई करके थक गया है। पर ये रिकी टिकी टावी भी जिद्दी है ना, जब तक उस सांप से छुटकारा नहीं पाएगा चैन नहीं आएगा इसे। पर इस जख्मी हालत में ये उस सांप से लड़ेगा कैसे? नहीं नहीं, हम इसकी ये हालत नहीं देख सकते, हमें इसकी मदद के लिए कुछ करना होगा। रिकी, क्या हुआ? मैं संभाल लूंगा, कहाँ गया वो? आराम से, इतना जोश मत दिखाओ, चोट लगी है तुम्हें। देखो एक काम करो, तुम मोगली के साथ जाओ और अपना पैर ठीक करवाओ, बघीरा और मैं उस कोबरा से निपटते हैं। डील पक्की? ऐसा नहीं है कि मैं उससे लड़ नहीं सकता, मेरे तो बस हाथ। डील पक्की। बलू, तुम ये पक्का कर लोगे ना? क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, सांप बहुत ही शातिर होते हैं। घबराओ मत, बघीरा और मैं संभाल लेंगे, आखिर हम दो हैं और वो अकेला है। अरे मैं तो उसे आसानी से हरा सकता था, ये कोबरा ही तो था डरपोक कहीं का। पर मैं तुम्हें डरपोक तो नहीं लगता ना मोगली? और तुमने कुछ कहा रिकी, माफ करना मैंने सुना नहीं, मैं तो सिर्फ उस सांप के बारे में सोच रहा था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, पर पता नहीं चल रहा क्या। अब खैर छोड़ो, भेड़ियों की गुफा पास ही है, रक्षा के पास हर तरह की दवाई मिलती है, वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देगी। देखो वहाँ, इसे तो मैं सबक सिखाता हूँ। तकलीफ मत उठाओ बलू, मैं हूँ ना, ये काम चुटकियों में हो जाएगा। संभल कर, बलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसे मार नहीं वाला था। वो जरूर बहुत बड़ा सांप रहा होगा रिकी, इसलिए तुम चूक गए, वरना नेवले तो लगभग भेड़ियों जितने ही खतरनाक होते हैं। क्या क्या लगभग? खैर मदद करने के लिए शुक्रिया रक्षा, अब हमें वापस जाना चाहिए। क्या कहते हो मोगली, हो जाए दो हाथ? नहीं आज नहीं बाला। पर क्यों मोगली, हारने से डर लगता है?
बात तो सही है, तुम तो हो ही डरपोक। नहीं, ऐसा नहीं है रिकी, वो दोनों तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मेरे सामने आओ, तुम्हारे जैसे 10 भेड़ियों से निपट लूंगा। रिकी डिकी डिकी, तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया है मोगली? माफ करना रक्षा, आमतौर पर ये ऐसे नहीं करता है, शायद चोट लगने की वजह से परेशान है। इसे यहाँ से ले जाओ, ऐसे ही करता रहा तो पूरा शरीर जख्मी हो जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रिकी, हो क्या गया था तुम्हें? माफ करना मोगली, फिर ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। चलो अब चलते हैं। पर कहाँ? वापस घर ना? हाँ घर ही चलते हैं, बलू और बघीरा ने अब तक उस कोबरा से छुटकारा तो पा ही लिया होगा। इस चूहे की गंध से वो जरूर बाहर आएगा, फिर तुम उसका पीछा करना, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। हाँ हाँ ठीक है, पर ये तो तय है कि मैं इसे लंच में खाऊंगा। ओ, काम बन रहा है, शायद वो बाहर आ रहा है, तुम तैयार हो ना? बलू, ये आराम करने का वक्त नहीं है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते बलू? तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है रिकी? नहीं उतना नहीं। तो तुम मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? बस ऐसे ही। सुनो इंसानी बच्चे, थोड़े फल खाओगे? ये हमारा इलाका है इंसानी बच्चे। चलो रिकी यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं जाऊँगा, मैं यही रहूँगा। रिकी बंदर सिर्फ खेल रहे हैं। हिम्मत है तो नीचे आओ, मैं तुम जैसे 10-10 को निचोड़ दूंगा। रिकी डिकी डिकी। रिकी नहीं, इंसानी बच्चा। नीचे आके दो दो हाथ तो करो। इंसानी बच्चे के साथ भाग जाओ। डरपोक नेवले कहेंगे। उन्होंने मुझे डरपोक कहा मोगली? क्या फर्क पड़ता है रिकी, वो तो ना समझ बंदर है। पर सोचो ये सच हुआ तो, मैं वाकई डरपोक बन गया तो। ओह, मैं भी ना उस कोबरा को नहीं संभाल पाया, ऐसा लगा मानो मैं एक से नहीं 10 कोबरा से भिड़ रहा था। अब मैं समझा रिकी, मुझे उस सांप के बारे में कुछ तो अजीब लग रहा था। अब मुझे याद आ गया, उसकी पूंछ का रंग दूसरा था। रिकी तुम एक से नहीं, एक से ज्यादा सांपों से भिड़ रहे थे। इसका मतलब बलू भी मुसीबत में होगा। रुको जरा सुनो। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे भी नहीं दिया, पर वो बंदर बड़ी जल्दी भाग गए, इसका मतलब यह हुआ मुसीबत सामने खड़ी हो गई। वो बंदर उतने भी बेवकूफ नहीं है जितने दिखते हैं, समझे बच्चू? तुम डरपोक नहीं हो रिकी, अब चलो जल्दी। उनके दांतों से बचना बघीरा। बचने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अब समझा बेचारा रिकी इनसे क्यों नहीं निपट पाया, ये तो पूरा खानदान है। मोगली पीछे। मोगली तुम ठीक हो ना दोस्त? हाँ हाँ ठीक हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तो बस फिसल गया था।
तो रिकी, अब तुम्हें बहुत अच्छा घर मिल गया। हाँ, साथ ही यहाँ काफी शांति भी है। शुक्रिया, मुझसे मिलने आते रहना दोस्तों। धीरे बोलो, कहीं कोबरा तुम्हारी ये बात ना सुन ले। बात तो सही है। अच्छा, क्यों ना हम उन्हें ढूंढे और हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर दें? हाँ, क्यों नहीं, पर अभी नहीं, बाद में। ये काम फिर कभी करेंगे रिकी। हाँ, ये काम फिर कभी करेंगे, जल्द ही मिलेंगे रिकी टिकी टावे। रिकी टिकी टिके।